देश विदेश में H1 न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों का हरतेज सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किसानी अंदोलन के 26 तरीक की जो घटना होंगी है उस तो बाद पंजाब हरियाणा के कई नौजवानों कई मामा कई भैणों तो कई बजुर्गों दिल्ली पुलिस वालों नोटिस भेजे जाते हैं तो पेश होने दिल्ली बुलाया जाता है। तो इदा द ही एक मामला साढ़े ध्यान आया से रोपड़ जिले के पैण वाला पिंड न्योलका जिथों के एक ही परिवार के 3 बजुर्गों जिहड़ा नोटिस भेजा गया सी। एक बजुर्ग की उस दे विच मौत हो चुकी सी ते 2 बजुर्ग जिहड़े जिंदा सी ते ओह कदे उस धरने दे विच नहीं गए सी। ते इसे आवाज़ नूं साडे चैनल वल्लों जदों राती मटका चौंक दे उत्ते जिहड़े रोजाना चंडीगढ़ दे लोक ते 22 पिंडां दे चंडीगढ़ दे लोक रोजाना खड़ के जागरूक करदे ने इस किसानी संघर्ष की हमायत करदे ने ते इन्हां आर्डिनेंसां दे विरुद्ध नारेबाजी करते हैं तो उत्थे उन्होंने हौसला अफजाई करने वास्ते किसान बड़े आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुँचे से। जदों साड़ी उन्होंने गलबात हुई है इंटरव्यू करते हुए पहला वो तुसी गलबात सुनो। जदों असी न्योलका पिंड की घटना बारे उन्होंने पूछा कि थोड़ा ये ध्यान दे विच है या नहीं। कराली पिंड के नेड़े न्योलका पिंड है एक उत्थे दा मामला थोड़े ध्यान च है कोई कुराली दे नेड़े न्योलका पिंड रोपड़ जिले नहीं मेरे नाल हजे मेरे नाल साझा नहीं होया गा। मैं तो दिल्ली पुलिस वालों 3 जिहड़े बजुर्गों के उत्ते परचे दर्ज किए नोट्स जारी किए कि तुसी पेश हो पर उहदे विचों बुजुर्ग 31 दसंबर का मरिया हो 26 तरीक की घटना भी शामिल किया गया है दिल्ली पुलिस ने। देखो मैं एक बेनती करा पूरे पंजाब दे विच और पूरे देश च संयुक्त मोर्चे वालों असं ये कहने हैं अगर किसी भी कोई जिहा नोटिस आता है किसी तरह के किसी नोटिस के जाके इंटरफेयर नहीं करना किसी को जाके मतलब जाके उस सवाल जवाब का उन्होंने जवाब नहीं देना। असी बैठे साढ़े नाल तुरंत तालमेल करन संयुक्त मोर्चे की एक लीगल टीम है उस लीगल टीम के नाल तालमेल करन साढ़े नाल तालमेल करन ताकि असी तुहाडी गल नूं अपने आप रखांगे उत्थे जिस ढंग नाल रखने वाली है। लेकिन यह जे किसी ने नहीं करना इन्हां ने एक कोशिश है इन्हां दी कि जिहड़े लोग उत्थे जांदे ने इन्हां दे झांसे दे विच आके उन्हां नूं परचे तक दर्ज हो ही होया किसी ना किसी परचे दे विच जोड़ के 120B वाली दे विच उन्हूं विच बेचारे नूं फिट कर दिंदे आ। बड़ा ये एक तरह का सरकार इस अंदोलन को दबाने वास्ते हथ कंडे है और इन हथ कंडे की परवाह नहीं लोग करेंगे। परचे साढ़े भी दर्ज है होर लोगों के भी परचे बहुत बड़ी पद्धर से दर्ज है और इन परचा पुरचों तो डर के असं अंदोलन नहीं रोक सकते। ध्यान मामला आ गया पैरवाई करोगे 100% ना जी ये तो कोई चिंता वाली गल ही नहीं ये सोचने वाली गल भी नहीं भी पैरवाई ना करने वाली गल। अगर किसी भी व्यक्ति की साढ़े ध्यान के बच्चे गल आती है असं उन्हें स्पैशली जाके भावे कुछ भी करना पवे उन्होंने नाल खड़े और सू माड़ा दसन और उन्हों की मदद असं 100% करें। देखिए तो किमें जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दसा कि साढ़े ध्यान के मामला नहीं तो हूँ साढ़े ध्यान के मामला आ गया तो साड़ी लीगल सैल तो साड़ा संयुक्त मोर्चा इसकी अगवाई करेगा। तो उस तो बाद जदों जगजीत सिंह डल्लेवाल के ध्यान के असं यह मामला लेके आए हैं तो उस तो बाद सवेरे ही जगजीत सिंह डल्लेवाल जिहड़े न्योलका पिंड के उन्होंने किसानों के घर पहुँचते हैं तो उन्होंने की गलबात होंगी है की भरोसा देते हैं पहला उस तुसी वीडियो के सुनो कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने उन्होंने परिवार को मिल के की कहा। देखो दोस्तों गल ये है कि सानू पहले ही पता है इस गल का कि सरकार पूरी तरह मतलब अड्डी चोटी का जोर लाएगी पंजाब के अंदर खास करके पंजाब हरियाणा यूपी इन स्टेटा के किसानों नू किवें अंदोलन तो दूर किया जाए कि किस तरीके दे नाल एक तरह का दबाव बना के कि अंदोलनकारियों नू प्रेशराइज करके अंदोलन नू कमजोर करने का यतन करेगी और यह आ सारा कुछ असं जिहड़ा अज देख रहे हैं इन्हां तुहाडे सामने आ। रात असी जदों मटका चौंक दे विच साढ़े जिहड़े प्रोटेस्ट करते हैं डेली 6 तो लैके 8 बजे तक साढ़े नौजवान साढ़े बीबियां साढ़े परिवार साढ़े IAS IPS ऑफिसर साहबान रिटायर्ड वे होंगे ने सारे। रात मैं उत्थे पहुंचा सी उत्थे मैनूं पता लग्या कि न्योलका पिंड दे साढ़े इन्हां बजुर्गों की कहानी साढ़े सामने आई जिहदे चों फिर एक जरूरत महसूस हुई कि इन्हां जरूर मिलना चाहीदा है कि जिन्हों का कोई कसूर नहीं और उत्थे इत्थे आ के गल बहुत वड्डी ये भी सामने आई है कि एक किसान की डैथ हो चुकी है 31 दसंबर में तो जो एक किसान 31 दसंबर में डैथ हो चुकी है तो यह घटनाक्रम जिहड़ा वो है 26 जनवरी का तो ये नाल इहदा तल्लुक किवें जोड़ रही है सरकार मैं तो समझ नहीं लगती इस गल की। सो ये अजिहा जिवें साडे मेरे नाल इधर बैठे ने बजुर्ग इन्हां दी उम्र 87 साल दसी जा रही है हुण इन्हां नूं तुसीं सेहत पक्ष तो वेख के इन्हां दे सारा सिस्टम तो वेख के तुहानूं अपने आप समझ आ जाणी चाहीदी है कि की इह उत्थे दिल्ली दे विच जाके कोई दंगा कर सकदे ने जां की इह उत्थे प्रोटेस्ट दे विच शामिल हो के कुछ कर सकदे ने और इन्हां ते भी
और इन्होंने जिवें दस्या कि ना साडी कोई मशीनरी उत्थे गई है ना साडा कोई असी मतलब उत्थे कोई हाजरी लवाई है लेकिन सानू मतलब करे खाम खा परेशान किया जा रहा है। ये गल तो क्लीयर हो गया स्पष्ट हो गया कि सरकार तरह तरह के हथकंडे यूज कर रही है इस अंदोलन को कमजोर कर ली। इस परिवार के असी अज आए सीगे ये जानकारी लैण दे लई इस परिवार को मिलने दे लई और इन्हों असी हौसला देने लई इत्थे आए सीगे। हौसला रखो संयुक्त मोर्चा तुहाडे नाल है नाल सी ते नाल रहेगा। ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ ਬੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ अगर असी रोटी खाते रहना और असी आपके बच्चों के मूँह के निवाला पाना है तो सानू अजिहे सारिया ही परिस्थितियां का टाकरा करने के लिए तैयार रहने की लोड़ है तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी जिहड़ी गल है कि संयुक्त मोर्चे ने लगभग 150 वकील जिहड़े एक तरह फ्री सेवा कर रहे हैं और पूरा मोढ़े नाल मोढ़ा ला के साडे नाल खड़े ने है इत्थों तक कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आ जिहड़े वो अपने नाल खड़े ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट वीर अपने नाल खड़े ने और वह सारे मिलकर ये तुहाडी तुहाडे ते शां करी खड़े है बिल्कुल किसी तरह का तुहाडे नाल धक्का नहीं होण देणगे और जिहड़ा भी कोई होएगा वो तुहाडे तो मूहरे होके उहदा मतलब लीगल जिहड़ा रस्ता अख्तियार करके तुहानूं इहदे तों राहत दवावांगे। और संयुक्त मोर्चा इस लिए वचनबद्ध है वादा करदे हां कि असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ हर तरह की तकलीफ दे विच जिन्नी भी तकलीफ आएगी साडे सानूं पहलां आएगी तुहानूं बाद च आएगी आपां सारे रल मिल के ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਓੜਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।